हाँ सलमा, बड़े अरसे के बाद मेरा बेटा घर आ गया है। मैंने आज उसकी पसंद के सारे खाने पकाए, कोफ्ते, बिरयानी। ओफो, रायता बनाना तो मैं भूल ही गई। इतनी बदहवास हुई हूँ मैं खुशी में कि क्या बताऊँ। चल मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफिज। अम्मा, अम्मा आप मुझे ही आवाज़ दे लेती। असल में जमाल से सारे बातों में इतना मसरूफ हुए हैं कि मैं भी बातों बातों में भूल गई कि आपका हाथ बटा दूँ। अरे बेटा, तुम तो खुद मेहमान हो इस घर में, तुम जाके बरकत के पास बैठो ना। हाँ, आफरीन को भेज दो, वो मेरा हाथ बटा देगी। आफरीन बेचारी माजन को संभाले, खाना निकाले। अम्मा, जमाल ने पहली मरतबा माजन को गोद में लिया तो चीख चीख कर आसमान सर पर उठा लिया उसने। कल से देखना, यही माजन होगा और यही जमाल, जान नहीं छोड़ेगा बाप की। बच्चे तो ऐसे ही होते हैं ना, दो मिनट में कुछ और दो मिनट में कुछ। फिलहाल तो उसके रोने वाला मिनट चल रहा है, इतना रो रहा है कि बेचारी आफरीन संभाल संभाल के परेशान होगी। अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो टेबल पे जाके देख लो चमचे और प्लेटें ठीक रखी हैं। आप जाए मैं आती। क्या बात है आफरीन, क्यों इस तरह दूर दूर और खिंची खिंची हो? घर में भी ऐसी रहती हो क्या? माजन रो रहा था, उसका डायपर चेंज कर रहे थे। आप जाइए, मैं आती हूँ। मैंने तुमसे कुछ और पूछा है। मैं भी आपकी बात का जवाब दे रही हूँ। तुम्हें क्या लगता है, मुझे तुम्हारा रवैया समझ नहीं आ रहा? तुम्हारा चेहरा कुछ और कहता, तुम्हारी जबान कुछ और। आज काफी समझ गए आप मुझे, काश पहले पहचान लेते तो ये वक्त ना आता। किस वक्त की बात? मैं क्या करूं? माँ, तुम्हारा जो दिल में आता है वो सब कुछ करो, और कोई अरमान रह ना जाए, बस तुम बिल मुझे भेज दिया करो। मगर बेटा, अकेले तुम पर कब तक बोझ डालती रहूंगी? मजबूर सी हो गई हूं, खर्चे हैं कि दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, और तुम्हारे सिवा मैं किसी और से कह भी नहीं सकती। कभी कभी सोचती हूँ कि मैं आफरीन से बात करूं, मगर फिर मैं ये सोचकर चुप हो गई कि पहले तुमसे पूछ लूं फिर बात करूंगी। क्या बात माँ, यहीं की शादी के खर्चे में वो भी हाथ बटाए? हाँ और क्या, बड़ी बहू है इस घर की और कमाई भी उसकी ठीक ठाक है, फिर सारी जिम्मेदारियां तुम पर ही क्यों? और मैं देख भी रही हूं
ये तुम आए हो तो कुछ थके थके से लग रहे हो आजकल। तुम्हारे चेहरे पे वो खुशी नहीं है जो पहले होती थी। अरे माँ, तुम तो पूरी डॉक्टर बन गई हो, और वैसे भी परेशान होने की कोई बात नहीं है। बस वहां के उल्टे सीधे खाने खा खा के तबीयत सी भर गई है। अब यहाँ पे आ गया हो ना, चंद ही दिनों में ठीक हो जाऊंगा। एक सेकंड, मैं दुबई ऑफिस से फोन आया। हेलो, यस माय लव, या यू माय डार्लिंग, ऑफ कोर्स आई एम मिसिंग यू टू, ऑलराइट, टेक केयर, लव यू, बाय। अच्छा, आई लव यू डार्लिंग, मिसिंग, किसी दोस्त से मजाक कर रहा होगा। अच्छे हैं ना? बहुत खूबसूरत है नसीम। वैसे हम इस घर में एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जान गए और पहचान गए, वरना अम्मा भी मुझसे घर में इस तरह बात करती थी कि जैसे मैं उनसे बड़ी हूँ। दरअसल कमाने वाला खुद ब खुद बड़ा बन जाता है। जैसे आप बरकत को बर्दाश्त करती रहती हैं, है ना? वैसे बातों बातों में आपने मेरी बात टाल दी। आप इन ड्रेसेस में से कोई भी अच्छा सा ड्रेस पसंद कर लें, आपने सोनी की शादी में पहनना है वो। छोड़े नकी, बिला वजह में वहाँ तमाशा बन जाएगा। क्यों तमाशा बनेगा? और अम्मा ने मुझे ख़ास तौर पर कहा था कि मैं आपको बुलावा दूँ, आपने आना है। जब मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आप मुझसे खुश हैं, मैं आपसे खुश हूँ, तो तमाशा बनाने वाले जो चाहे करें, हमें क्या फ़र्क पड़ता है? मेरे ख्याल से बाहर की लड़कियों में और हमारी देसी लड़कियों में कितना फर्क है। लव यू। क्या हुआ माशी को? बस 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 बेबी, कौ ओके ओके। तुम कब तक इस तरह रूठी बैठी रहोगी? क्या मुझसे कुछ कहा? क्या हो गया तुम्हें? तुम तो मुझे घास तक नहीं डाल रही। मैं तुमसे और माजन से मिलने आया हूं। माजन देखो सारा टाइम सोता रहता है और तुम सारा टाइम जागती रहती हो। अच्छा हुआ ना मैं बिला वजह बेवकूफ लड़की की तरह पतिव्रता बीवी बनकर अपने आप को कार्य करती रहती। ये क्या बकवास कर रही हो? नौकरी करने का हर गिज ये मतलब नहीं है। ऑफिस जाने का सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है कि औरत अपने आप को समझ सके, और अपने आप को समझने के साथ साथ दूसरे लोगों को जज करना भी सीख जाए। जैसे कि मैं अब आपको समझ गई हूं, आप बदल गए जमाल। आप वो जमाल नहीं रहे जो यहां से गया था। जो इंसान अपने प्यार करने वालों के ऐसा साथ समझना ही नहीं चाहता वो। अफरीन तुम क्या बकवास कर रही हो? होश में तो हो? मुझ पे वो इल्जाम लगा रही हो जो गुना मैंने कभी किया ही नहीं है। तुम जानती हो कि मेरी प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ माँ की ख्वाहिशें पूरी करना थी। अगर सिर्फ अपनी माँ की ख्वाहिशात पूरी करना आपकी प्रायोरिटी थी तो मुझसे शादी क्यों की? मेरा मसरफ क्या था? आसन को दुनिया मिलाने की क्या जरूरत थी? मैं फिर भी बता दूं कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी और कर रही थी। ये बदला दिया आपने, इस
लगता जैसे कि मैं कुछ जानती नहीं। और औरत कभी भी अपने शौहर पर गलत इल्जाम नहीं लगाती। कल सोनी की रस्म है, बहुत काम करने मुझे। अगर आप अपनी जरा भी जिम्मेदारी समझते हैं तो मासन अगर उठ जाए तो मुझे बुला लीजिएगा। बॉस, बॉस, क्या बात है? लगता है आप परेशान हैं। हाँ यार, मैं परेशान तो हूँ मैं। यार, मेरी बहन नगीन बहुत कड़क है भाई। क्या हुआ? नगीन बाजी ने कुछ कहा है? आप कहें तो मैं अम्मा से बात करूं? नहीं नहीं, तुझे किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही देख लूंगा। वैसे यार उमेर, तेरी बहन नगीन खासी बदल गई है। अब तू देख, वो जो पागल नसीम है ना, उसको सोनी की शादी में लेके जाना चाह रही है, है? अच्छा, ऊपर से उसके नए कपड़े भी बन रहे हैं और जेवर भी। तुके यार, भला बताओ, एक पागल सौतन के पीछे मुझसे बार बार लड़ती है यार। थोड़ी छोटी छोटी बातों पर मुझसे झगड़ा करती है। आप कहें तो मैं दादा अब्बा या माँ से बात करूं? नहीं यार उमेर, गलती मेरी है, पढ़ी लिखी है ना, मैंने ही ज्यादा ढील दी हुई थी उसको, ठीक कर लूंगा। अरे सिद्दीकी साहब, आइए आइए। वालेकुम अस्सलाम। आप ही का इंतजार था। बैठिए। मैंने आने को कहा था, मैं तो यहाँ से गुजरा था, सोचा आपसे मिल लूं। अरे सिद्दीकी साहब, हम तो आप लोगों का हर वक्त इंतजार करते हैं, और कौन बंदा नहीं चाहेगा कि पढ़े लिखे लोगों के साथ कुछ वक्त गुजर जाए, है कोई फायदा ही होगा। बरकत साहब, ये आपकी पार्टनर है। अरे सिद्दीकी साहब, इसकी इतनी जल्दी क्या थी, आ जाते पैसे। ठीक है, मैं चलता हूं। okay. बड़ी मेहरबानी। साले का दिमाग खराब है। बहुत हो गया, बहुत हो गया। मुझे समझने में देर हुई, मगर मैं समझ तो गई ना। तुम क्या समझते थे कि मैं कुछ 16 साल की बेवकूफ पागल लड़की हूं जो तुम्हारे इश्क में पागल होकर कुछ बर्दाश्त करती रहेगी? भूल है तुम्हारी, बहुत बड़ी भूल है तुम्हारी। तुमने वही किया ना जो एक मर्द अपनी बीवी से दूर रहकर करता है। गलती तो मेरी थी जो मैंने तुम्हें इतना ऊंचा दर्जा दे दिया। क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम खुद क्या हो और क्या थी? एक बेवकूफ रोमांटिक अनरियलिस्टिक लड़की। आज जो इतना बोल रही हो ना, ये सारा कॉन्फिडेंस मेरा दिया हुआ है। मना कर दू ना कि नौकरी नहीं करनी, तो क्या कर लो कि तुम? ये जबान, ये स्टाइल सब मेरा दिया हुआ है, समझते क्या हो खुद को? मैं कुछ भी समझू अपने आप को, किसी का बसा बसा है घर खराब तो नहीं करूंगी ना मैं। मुझे पता है, चार दीवारी की मरम्मत मुझे चार दीवारी की मरम्मत क्या होती है, लेकिन तुम तो सब कुछ भूल चले हो। अच्छा हुआ जो सब कुछ जल्दी ही पता चल गया।
तुम्हारे लिए और मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ। यानी हद होती है, तुम्हारा होने वाला बहनोई मैं लगभग तुम्हारे सामने खड़ा है और तुम सीमा उसके फोन पर सब कुछ भूल गए। तुम खुदा के लिए जान छोड़ दो सीमा की। तुम कैसे कह सकते हो कि सीमा का ही फोन था? मैं तुम्हारी बीवी की हैसियत से कह सकती हूँ, एक औरत की हैसियत से कह सकती हूँ, और इस बात पर अब हम बहस नहीं करेंगे। यार प्लीज डोंट क्राई नाउ, प्लीज डोंट। सीमा व्हाई डोंट यू जस्ट आई विल कॉल यू बैक इन अ मिनट। तुम यहां खड़े क्या कर रहे हो? मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि हमारी माँ तो मटेरियलिस्टिक हो गई है, उन्हें तो बस दिखावा आता है। उन्हें नहीं मालूम कि किसी के दिल में कितना दुख है। लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहूंगी कि प्लीज तुम्हारी एक छोटी सी गलती तुम्हारा रिश्ता खराब कर सकती है। बात सुनो, तुम्हारे ससुराल से अभी फोन आया था, 8 बजे बारात आ जाएगी और शामियाने वाले ने अभी तक शामियाना नहीं लगाया। मां अब क्या ये भी मेरी जिम्मेदारी है? कौन से जमाल की बात कर रही हो? आफरीन कौन सा जमाल? वो डरा सहमा कमजोर मिडिल क्लास जमाल, या वो जमाल जो कि एक सूट खरीदने के लिए तरसता था? या तुम उस जमाल की बात कर रही हो जो कि घर के खराजात पूरा करने के लिए कर्ज और उधार लेता था? एक हाथ की ताली, एक हाथ की ताली। सीमा डियर please don't be upset, I'm all there to support you, you know you have to try to understand me and trust me nothing is going to happen to you, yeah, are yaar please don't cry now, please don't, Seema why don't you just I will call you back in a minute. तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? कोई और काम नहीं है तुम्हें? चलो भागो यहाँ से। सॉरी जमाल भाई, वो मैं आपको बुलाने आया था। अच्छा मैं आ रहा हूँ, निकलो यहाँ से। तुम गलत नहीं कह रही आफरीन, मैंने भी नोटिस किया है। वो तो जब से आए मुझे फ़ोन तक नहीं किया, ये तक नहीं कहा कि बहन तुम घर आ जाओ या मैं आ जाता हूँ, फ़ोन तक नहीं किया उसने तो। खैर ये सब बेकार की बात है, इसमें कोई शक नहीं कि इसमें बहुत बड़ी तब्दीली आई है। और वो और अम्मा उन्हें कुछ नज़र नहीं आता क्या? मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि हमारी माँ तो मटेरियलिस्टिक हो गई है, उन्हें तो बस दिखावा आता है। उन्हें नहीं मालूम कि किसी के दिल में कितना दुख है। लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहूंगी कि प्लीज तुम्हारी एक छोटी सी गलती तुम्हारा रिश्ता खराब कर सकती है। कुछ नहीं होगा नकीन, जमाल की इतनी गलतियों के बावजूद भी आप लोग मेरे अपने हैं, बस दुआ कीजिए कि कुछ भी ना हो। इंशाल्लाह चलें।
देर हो रही है, सोनी इंतजार कर रही होगी। चलो। आप यहाँ क्यों आई? क्यों? यहाँ आने के लिए मुझे तुमसे इजाजत लेनी होगी। I'm sorry, मेरा ये मतलब नहीं था। शुक्र है कि तुमने बहुत जल्द सॉरी कर लिया। और मैं तुमसे पूछ सकती हूँ कि तुम इतने बदतमीज कब से हो गए हो? तुम्हें रिश्ते की कोई लिहाज मुरव्वत नहीं है, यहाँ तक कि अपने बीवी बच्चे को भी भूल गए हो। मैं किसी को नहीं भूला और ना ही मैं किसी को भूलना चाहता हूँ। अगर मैं भूलता तो इतनी मुश्किलों से इस दफा यहाँ ना आता। भूली तो ये, सीधी वो किसी से बात नहीं करती, खुद तो स्टबर्न है ही, माजन को भी मुझसे दूर करके रखे। झूठ बोल रहे हो तुम जमाल। जो गलतियां तुम कर रहे हो ना, उसे अभी से रेक्टिफाई कर लो, अगर देर होगी तो पछताओगे। और वहां जिस औरत पर तुम भरोसा कर बैठे हो, वो नहीं जानती कि खानदान क्या होता है, उसे टूटने का क्या दुख होता है, कुछ नहीं जानती है वो। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा। आपको क्या लगता है मुझे घर से दूर रहने की टेंशन नहीं है? रात को देर देर तक काम करने की परेशानी मुझे नहीं होती? आप सबके खर्चे पूरे करने का बोझ मेरे सर पे नहीं है? बस करें नकीन, कोई फायदा नहीं। जमाल तो सारा अपना इल्जाम मुझ पर डाल देते हैं। आप कंसंट्रेट करें सोनी की शादी की तैयारी पर, चलिए बाकी काम खत्म करते हैं। चलो। अम्मी जी, बुलाया आपने? हाँ बुलाया था, बहुत पहले, मगर तुम्हें होश कहाँ है? अम्मी अभी तो ज्वेलर के पास से आ रही हूँ, आप तो बहुत जल्दी परेशान हो जाती हैं। अरे बेटी, 75,000 रुपए गायब हो गए हैं, और मैं परेशान भी ना हूँ? मेरा शौहर धर्म कमा के नहीं भेज रहा, मेरा इकलौता बेटा है जो मेहनत मजदूरी कर रहा है और पूरे घर का खर्चा उठा रहा है, और तुम कह रही हो मैं परेशान ना हूं। तुम्हारी नसीहतें सुनो। मैं ढूंढ देती हूँ। आप उन पैसों की बात तो नहीं कर रही हैं जो कल रात आपने दादा अब्बू को दिए थे? अरे तौबा तौबा, तुमने मुझे याद क्यों नहीं दिलाया है? अरे मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, अब तो हर बात भूलने लगी हूँ, मगर तुम्हें चाहिए था ना कि पहले बता देती। वही तो याद दिला रही हूँ मम्मी, अब जाइए दादा अब्बू से पैसे लेकर आइए, सब ठीक कर देती
सोनी, सोनी, अरे कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ, आप ही ने तो कहा था आराम कर लो। अरे ये दर्जी कपड़े दे गया है, किसके हैं? नगीन बाजी के होंगे, वहीं रखते हैं, भी आती होंगी। ठीक है, तुम नगीन को फोन कर दो कि आके कपड़े ले जाए। भाई मुझसे नहीं होता इतना सारा काम, सारी चीजें सिमटती बैठूं। और वो तुम्हारी भाभी का है? अभी तक आई नहीं। माँ आती होंगी, दफ्तर से फोन आया था, थोड़ी देर में आ रही हैं। एक तो ना सब मुझे गुस्सा करते हैं, सारा काम करो और इन लोगों की बातें सुनो। बात सुनो, तुम्हारे ससुराल से अभी फोन आया था, 8 बजे बारात आ जाएगी और शामियाने वाले ने अभी तक शामियाना नहीं लगाया। माँ अब क्या ये भी मेरी जिम्मेदारी है? तुम्हें नहीं कह रही, मुझे पता ही, ये सब मुझे ही करना पड़ेगा, मैं ही जा रही हूँ। वहां पे अकेली होंगी, किसी को तो रुकना चाहिए था ना। यही तो मैं कह रही हूं, वहां पे किसी को रुकना तो चाहिए था ना। यही पूछना आई हूं, आखिर पैकिंग की इतनी जल्दी क्यों? वो दरअसल बात ये है कि मैंने आज रात की फ्लाइट ली। यही समझो, एक्चुअली वहां पे काम बहुत ज्यादा है, पता नहीं ये छुट्टी भी किस तरह दे दी। और वैसे भी शादी तो खत्म हो ही गई है, तो मेरी जिम्मेदारी भी खत्म। झूठ झूठ झूठ, एक के बाद एक झूठ। जमाल क्या हो गया आपको? अफीन देखो प्लीज, अब दोबारा शुरू मत हो जाना, और बात का बतंगड़ बनाने की कोई जरूरत नहीं। अब यहाँ पे तो ड्रामा मत करो। ड्रामा में नहीं, आप कर रहे हैं। झूठ मैं नहीं, आप बोल रहे हैं। अपने आप को और सब घर वालों को धोखा मैं नहीं, आप दे रहे हैं। मेरे लिए नहीं, एटलीस्ट सब घर वालों के लिए अब इससे वो पुराने जमाल बन जाए। कौन से जमाल की बात कर रही हूँ? आफरीन कौन सा जमाल? वो डरा सहमा कमजोर मिडिल क्लास जमाल, या वो जमाल जो कि एक सूट खरीदने के लिए तरसता था? या तुम उस जमाल की बात कर रही हो जो कि घर के खराजात पूरा करने के लिए कर्ज और उधार लेता था? किस जमाल की बात कर रही हो? मैंने आपसे कब कहा कि अपना घर बर्बाद कर दिया? मैं तो ये नहीं जा सकती। आफरीन बस अब चुप कर जाओ, मुझे थोड़ा सा सुकून चाहिए, प्लीज मुझे सुकून दे दो। अब मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हारी ये जो बेमायनी बातें हैं ना, मुझे उनसे नफरत होने लगी। सच क्यों नहीं कहते कि मुझसे जी भर गया आपका? हाँ भाई हाँ, मेरा दिल भर गया। अगर यही समझना चाहती तो यही समझो। भाई ये बैग मुझे दे दें। अरे उमर बेटा, तुम जाके भाई का बड़ा वाला बैग उठा के ले आ। माँ अभी लाया। और हाँ माँ, इस बात का ख्याल रखिएगा कि नगीन बाजी और जीजा जी भी आने वाले हैं।
अरे नगीन को तो मैंने बताया ही नहीं, अभी फोन करता हूँ। अरे सोनी को बताया था? नहीं सोनी को भी नहीं बताया, अम्मा उसको तो फोन भी बंद है। आफरीन तुम ही बता देती, भाई जा रहा और बहनों को खबर ही नहीं है। नहीं अगर मुझे पता होता तो मैं बताती ना। मेरे हिसाब से तो के जाने में अभी एक हफ्ता बाकी था। आफरीन बेटा जब कोई जाता है ना तो दुख जरूर होता है, लेकिन गुस्सा काबू में रखना चाहिए। पता नहीं किसका गुस्सा कहाँ उतार रही हो। अरे वो नौकरी करता है, कोई गिल्ली डंडा खेलने नहीं जा रहा। जिम्मेदारी की नौकरी है मेरे बच्चे की, बुला लिया होगा इसलिए जा रहा है। अरे अच्छा हुआ जो शादी के हंगामे में इसने नहीं बताया, वरना सारा मजा खराब हो जाता। अच्छा हुआ बेटा, जाने दो, अपना ही नुकसान करेगी। रिश्ता।